Say good morning, people. Say good morning, people. How are you? My name is Shaggy. Welcome. मेरे लिए ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था, व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। बहुत दिनों से YouTube चैनल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक YouTube चैनल मैंने शुरू भी किया था बैकपैक बाबू मोशा के नाम से, और उसमें ट्रैवल वीडियोस डाल रहा था, लेकिन फिर अचानक ट्रैवलिंग बंद हो गया तो फिर वीडियोस डालना भी बंद हो गया। मुझे YouTube में कुछ करना था, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि लोग परफेक्शन के चक्कर में कभी कुछ करते ही नहीं है, मैं भी उसी चक्कर में टू बी द परफेक्शनिस्ट कभी वीडियो डाल ही नहीं पाया। मुझे लगा कि नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इसी चक्कर में कभी कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं कैसे भी करके शुरू तो करूँगा ही, जब तक शुरू नहीं करूँगा तब तक आगे इम्प्रूवमेंट का भी कोई स्कोप नहीं है। घर बैठे बैठे आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको रास्ते पर उतरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सबसे अच्छा टाइम नहीं है ब्लॉगिंग करने के लिए, बहुत सारे रीज़न है, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल में ये है कि कोविड अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है, बहुत सारे राज्यों में अभी भी दोबारा से लॉकडाउन हो चुका है, बट स्टिल सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। इंटरनली देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं और जो सपोर्ट नहीं करता ब्लॉगिंग को, बट मैं इसे इसलिए एज ए चैलेंज की तरह ले रहा हूँ ताकि मैं फ्यूचर में जाके इसे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरह देख सकूँ, लोग इससे इंस्पायर हो सके। रीज़न धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये टाइम ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था मेरे लिए, लेकिन अब मैंने जब शुरू कर दिया है तो देखते हैं जो भी आगे होगा। ये गुड़ है और मैं सुबह सुबह गुड़ की चाय पीता हूँ। चीनी शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। चाय में थोड़ा अदरक भी देता हूँ, गले के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो गुड मॉर्निंग फिर से, मॉर्निंग चाय के साथ। और पियेंगे चाय? व्हाट डू यू वांट स्वैगी? व्हाट हैपेंड? व्हाट इज़ द इशू? इसको हमेशा मैं साथ में चाहिए। अगर मैं बेड पे चढ़ गया तो शी वांट्स हर टू बी अप देयर, अगर मैं नीचे बैठा हूँ तो आके बैठ जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि डॉग्स लव टू बी इन पैक्स, सो ये लोग हमेशा आपके साथ ही, स्पेशली पग मैंने देखा है ये आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, इसीलिए तो वोडाफोन के नेटवर्क में यूज़ हुआ था, उस एड में यूज़ हुआ था, सिंबलाइजिंग नेटवर्क हमेशा आपके पीछे पीछे। वेरी क्यूटी पाई। थोड़ा आराम चाहिए। शी इज आस्किंग फॉर ऑल दिस। किसी को दिख नहीं रहा होगा। नाउ पीपल कैन सी योर ब्यूटीफुल फेस। क्लैप क्लैप क्लैप। ओ माय गॉड, सो प्रिटी। स्वैगी के भी नखरे हजार। जो चीज़ रोज़ खाती है वो भी इतना सूंघ के टेस्ट करके, इतना मूड है इसका। डैडा इज वर्किंग स्वैगी। देखिए स्वैगी ने मेरे चप्पल का क्या हालत कर दिया, स्लीपर्स का दांतों के निशान साफ नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सॉरी कच्चा कच्चा कच्चा। I cannot play now. I'm working, baby. Fish fry हो रहा है, fish fry हो रहा है, मतलब fish fry नहीं खाऊंगा, fish fry कर रहा हूँ, इसका करी बनाऊंगा।
और ये बन चुका है फिश करी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा घी डालेंगे और बस ये खाने के लिए हो जाएगा तैयार। और ये है हमारा लंच। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तामझाम राइस है और जो मैंने फिश करी बनाया था वो है बस। तो चलिए खाते हैं। पहला निवाला हम आपको खिला देते हैं। मैक्सिमम लोग मछली इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। बट कांटे निकालना भी एक आर्ट है। कांटा निकालो और मछली खाओ। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। बहुत दिनों के बाद अपने हाथों से बना हुआ फिश करी खाने का मज़ा ही अलग है। ये देखिए कांटे निकाल रहा हूँ मैं। तो अभी मेरा लंच हो गया है और क्लाइंट मीटिंग है, तो क्लाइंट मीटिंग करना पड़ेगा थोड़ी देर में। उसके बाद जो भी मेरा काम है वो करूँगा। So after spending the entire afternoon doing my work, पूरा काम किया, जितना भी pending काम था सब ख़त्म किया, client call ख़त्म किया, अभी it's time to spend some time in my balcony garden। मौसम अच्छा है, बहुत गर्मी है नहीं, तो थोड़ा सा time spend करते हैं इसमें। आप भी हमारे साथ आ जाइए। टोमेटो, टमाटर लगाया था मैंने और पक चुका है, कुछ ही दिन में मैं इसको तोड़ के खा जाऊंगा। अभी इवनिंग टी हो रही है और मैडम भी पहुंच गई है यहाँ पे खाने के लिए। अभी रात का डिनर बन रहा है और इससे पहले फैमिली वालों के साथ फ़ोन पे बात किया और फिर अभी खाना खाऊंगा, थोड़ा बहुत जो काम बचा कुचा है वो करूंगा और फिर सो जाऊंगा। तो दोस्तों आज का दिन ख़त्म होने को चला है, सारे काम हो चुके हैं, दिन ढल चुका है, अब एक ही काम बचा हुआ है, वह है सोना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, कल शुरू करते हैं नया दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।